ये आप ऐसे थोड़ा सा इनको टाइटली घुमाओगे, ये लॉक उसमें सेट हो जाएगा। ए भाई हो नहीं रहा क्या तुमसे? इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। क्रिमिनल मोटो ब्लॉगर के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज गाइस जाके सब्सक्राइब करें। नहीं वहाँ पे बहुत लेट वीडियोस आती है, बट आती है कभी कभार छुट्टी तो एंजॉय। Yeah, I got the juice. We game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Yeah. Fuck it, what they doing, keep on doing. Oh, वेलकम बैक टू माई चैनल आर बी एक्सप्लोरर। आज की वीडियो में अगर आप देख पा रहे हो कि बाहर पे फोकस हो जाया, बाहर आई हुई है एक R15M जिसमें लगना है बबल वाइजर, और बबल वाइजर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ ऐसा है, मैं ठीक से दिखाता हूँ, पन्नी से हटा के। एक बबल वाइजर लगना है, एक रेडिएटर ग्रिल लगनी है। रेडिएटर ग्रिल तो नई बाइक के लिए मस्ट होती है, क्योंकि भाई अगर वॉश वगैरह में प्रेशर से रेडिएटर जब साफ़ किया जाता है तो वहाँ पे वो डॉट डॉट्स ख़राब कर देते हैं वो सारा। इसलिए अगर हो सके तो स्टार्टिंग में रेडिएटर ग्रिल, क्रैश गार्ड तो लगवा ही लो, मस्त चाहिए तो मॉडिफिकेशन के लिए। तो इसलिए आज हम लगाएंगे इसमें रेडिएटर ग्रिल और बबल वाइजर लगाएंगे लुक के लिए। बाकी तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होती रहेगी इस बाइक में, उसकी टेंशन नहीं लेना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बबल वाइजर कुछ ऐसा है, इसको मैं आपको बैक व्यू कैमरे से दिखाता हूँ, और एक दो शॉट्स अगर मेरे को अगर हो पाया तो मैं आपको रेडिएटर ग्रिल के भी दे दूंगा, और आपको समझाता हूँ कि क्या क्या खोलना पड़ेगा, क्या क्या है, कैसे नहीं, सब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो ये रही बाइक, और ये सीट काउल इसने लगा रखा है, अभी उतार दूंगा, ये मेरा है। देख रहे हो पन्नी भी नहीं उतारी लौंडे ने, पन्नी भी आज हम उतारेंगे। देख लो बबल वाइजर के लिए तो आपको ये 6 नट खोलने हैं, ये भाई काम कर रहा है, मेहनती लौंडा है बहुत। और जो क्रैश गार्ड लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एक हॉर्न लगा हुआ है, ये हॉर्न लगा हुआ है एक गलती हो गई मेरे को। इसने बताया कि मैं क्रैश गार्ड बोल रहा था, वो रेडिएटर ग्रिल है, सॉरी। अब हम मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो एक ये नट दिख रहा है आपको, गिरा ये खोल लेना, और आपको ये पैनल्स खोलने पड़ेंगे कि थोड़ा सा लूज हो वहाँ पे, इस एंगल से दिख जा। ये देखो ये वाले पैनल्स हैं, ये आपको थोड़े से लूज करने पड़ेंगे, और ये आगे होते ही जैसे ही वो आगे होंगे और थोड़ा सा गैप बनेगा उसमें आपको पहले क्या था वो रेडिएटर, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, रेडिएटर ग्रिल को लगाना है, उसके बाद वो पैनल्स वापस लगाने हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगेगा, ईजी है, बहुत ईजी है, बबल वाइजर भी ईजी है, आप सब घर पर ही कर सकते हो, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंटेंट की कमी है, थोड़े गरीब हो गए हम, मैं गरीब हूँ, ठीक है। खोलते हैं फिर मिलते हैं, बबल वाइजर खोल चुके हैं, दिखाता हूँ बाकी। सो गाइस बबल वाइजर आ चुका है, देखो ये है आपका डीबी बबल वाइजर, ये आपका नॉर्मल बबल वाइजर, और ये आपको मिरर्स खोलने पड़ेंगे क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये टाइट होता है मिरर्स के साथ, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे इसके लॉक्स लगे हुए होते हैं। मैं स्टॉक बबल वाइजर में दिखा देता हूँ, स्टॉक वाला बबल वाइजर दियो, ये देखो ये जो साइड में लॉक्स दे रखे हैं ये वहाँ पे टाइट होते हैं, तो ये निकालने के लिए आपको वो खोलना पड़ेगा, और इसमें भी सेम एज इट इज़ हो रखा है, लॉक्स दे रखे हैं, क्योंकि V3 में क्या होता है वो लॉक्स नहीं होते, इसलिए थोड़ी सी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए लॉक्स दे रखे हैं, बबल वाइजर अच्छे वाला है। बाकी ये ज़्यादा डार्क नहीं है, इसके आर पार भी दिखेगा, मैं आपको वो बाहर निकलेगी तो दिखाता हूँ, और बाकी लगाते हैं। खोला वहाँ की ये सारी चीज़ें खोली, ये नट निकाले, इन नट्स में आपको ऐसे ऐसे वाले लॉक दिखेंगे, वो आपको स्टॉक के ही यूज़ करने पड़ेंगे, बाकी अब मैं दिखाता हूँ। देखो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये वाले लॉक हमें स्टॉक बबल वाइजर से निकाल के लगाने हैं, ये देखो ये आप ऐसे थोड़ा सा इनको टाइटली घुमाओगे, ये लॉक उसमें सेट हो जाएगा। ए भाई हो नहीं रहा क्या तुमसे?
देखो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस साइड के रहेगा, इस साइड के लगाते हैं, फिर इसमें फिट करना है और कुछ नहीं है। सिंपल वीडियो, मतलब ये तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अब वहाँ करते हैं, फिर इसमें लगाते हैं। सो मैक्सिमम हमें 5 से 10 मिनट हुए होंगे और बबल वाइजर फिट, पूरे नट लग गए। अब इसके मिरर्स वगैरह वापस लगा रहे हैं। बाकी अब रह गया रेडिएटर ग्रिल, उसका भी दिखाते हैं, वो भी 5 मिनट लगेंगे और डन। क्रैश गार्ड की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, छोटी मोटी R15M की वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको बस, और कुछ ज़्यादा नहीं होगा इसमें। तो गाइस देखो, जैसे मैंने रेडिएटर ग्रिल भी लगा दी और एक ये नट है, बस इसको एक टाइट करोगे तो आपकी रेडिएटर ग्रिल पूरी लग गई है। ये जो ऊपर जा रही है ऐसे ऊपर जा रही है, ये अभी वहाँ का नट टाइट होते ही सेट हो जाएगी। देखो कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो। बस एक वो नट है उस पर टाइट कर दो, और एक यहाँ पर ये है जो इस लॉक के अंदर आएगा, वो भी मैं लगा के दिखाता हूँ। गाइस देखो पूरा फिट हो गया है प्रॉपर, कहीं से हिल नहीं रहा, कुछ नहीं है, पूरा टाइट है। सिर्फ एक ही नट पे है, हाँ ये वाले नट पे है, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक ये नट लगाओ फिट। भाई ने एक ये टैंक पैड भी लगवाया है, टैंक पैड भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। वैसे इसके फुल वाले टैंक पैड्स भी आते हैं, अगर वो चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, लेकिन इसमें अभी हाफ ही लगवाना था क्योंकि इसका कलर वैसे इतना प्यारा है कि फुल लगा के क्या ही कलर की ऐसी तैसी करनी। इतना सा टैंक पैड, टैंक पैड इसलिए लगवाया जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत स्क्रैचेस आ चुके थे, इसलिए ये टैंक पैड लगा लिया हमने। बाकी रेडिएटर ग्रिल दिखा दिए, बबल वाइजर की तो लुक आपको पता ही है कितनी प्यारी आती है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस बंदे ने मेहनत करी है तो इसके लिए एक छोटा सा कमेंट कर देना, बाकी तो ठीक है। मेरा चैनल क्रिमिनल मोटो ब्लॉगर के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज गाइस जाके सब्सक्राइब करें, वहाँ पे बहुत लेट वीडियोस आती है बट आती है कभी कभार, तो एंजॉय। ध्यान रखना इस लौंडे को, हो सके तो कर ही देना, अपना ही भाई है, ठीक है। ये कुछ कहना चाहते सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ भाई, मेरी इंस्टा आईडी है मनदीप सिंह नाम से, इंस्टाग्राम जाके फॉलो करो, लाइक करो यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।